ओके, जो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल जीरो। यानी आपको डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, इसे किस फॉर्म में लाना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, पी डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या किया था, वहाँ पे था आपको ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ था, हमने इसका डेसिमल एक्सप्रेशन किया था, है ना, 0.6 ये था ना, 0.666 आया था 6 बार। अब इस उल्टा है, आपको डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लानी है। अब आते हैं देखो कैसे करते हैं हम लोग। जी फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट कितना है 0.6 बार, इसको हम इस फॉर्म लानी है, पी बाय क्यू के फॉर्म में लानी है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर के फॉर्म में। एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लो एक्स इक्वल टू 0.6 बार, लेट कर लो एक्स। ओके, जब भी इस तरह क्वेश्चन लगे तो आप क्या कर लो, ऐसा करो जो बार मतलब क्या हो, 6 रिपीट हो रहा है, 6 क्या है, रिपीटिंग है, तो हम इससे अगर बार हटाएंगे तो इसके ऐसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0.6666 इस तरह होती रहेगी। ओके, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब क्या करेंगे ध्यान दो, 10th पावर से मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड। अब पावर कितना लेना है, डिपेंड करता है डेसिमल के बाद जो डिजिट है कितने डिजिट पर बार है, यहाँ पे कितने डिजिट पर बार है, 1 डिजिट पे, तो 10th पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रहता 0.65 बार, तो 2 डिजिट पर अगर बार है तो 10th पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रहता 0.631 बार, यानी अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट पे बार है, तो हम लोग क्या करेंगे 10th पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड। जितने डिजिट पे बार होगा 10 पे उतना पावर दे देंगे। ओके, तो वही यहाँ पे करेंगे, तो आप कितने डिजिट पे बार है, यहाँ पे आपको 1 डिजिट पे बार है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऑन बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10th पावर 1, जो 1 डिजिट बार है तो 10th पावर 1 मतलब 10 हो गया, 10th पावर 1, यानी दैट इज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए, इधर भी और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू एक्स, इधर भी करेंगे 10 इंटू 0.666, यही है मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, डॉट 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 आपको देना कंपलसरी है, चूँकि ये 6 रिपीट होगा इन्फिनाइटली। अब 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो यहाँ तो 10x आ गया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर 10 से मल्टीप्लाई 1 पे कितना 0 है, 1 0 है, तो डेसिमल किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, 1 डिजिट क्रॉस करेगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ओके, डेसिमल कहाँ आएगा, 6 के बाद आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6.666। इसी इक्वेशन सेकेंड ले लो। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर दो, डिफरेंस कर दो। अब डूइंग ये प्रोसेस है, डूइंग सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में यानी इस इक्वेशन में फर्स्ट में माइनस कर दो, फर्स्ट से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो इसमें इससे माइनस करो, लेफ्ट लेफ्ट से माइनस होगा, राइट राइट से, क्या करेंगे
टेन एक्स या ऐसे करो ऊपर नीचे लिख दो। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से माइनस करनी है तो सेकेंड इक्वेशन में पहले लिख दो, ऐसे कर दो बेटर रहेगा। टेन एक्स इक्वल हो गया 6.66 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू है कितना 0.6666। यहाँ डेसिमल के सामने डेसिमल देना है 666। अब इसको क्या करें, सब माइनस करना, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस कर लेते हैं। टेन एक्स में से एक्स को माइनस करो, टेन एक्स माइनस एक्स कितना आएगा 9x। अब बेटे यहाँ इधर जो डेसिमल के राइट साइड देखो, ये सेम फिगर है। माइनस करें तो क्या हुआ, सेम यानी सेम चीज़ को माइनस करेंगे सेम से तो क्या हुआ, जीरो हो जाएगा। डेसिमल के राइट साइड क्या आएगा, जीरो जीरो आएगा, जीरो जीरो आएगा। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड सिक्स में से जीरो माइनस करते हैं कितना आएगा, सिक्स माइनस जीरो सिक्स आएगा, ये कितना आ गया, ये 9x = 6 आ गया। दिस इम्प्लाई दैट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 9 को राइट साइड ले जाओ डिवाइड हो जाएगा 6/9। अब यहाँ पे 3 3 = 9, 3 2 = 6, देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2/3। हमने एक्स किसे लेट किया था, देखो एक्स लेट किया था इसे 0.6 बार को, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 0.6 बार। तो एक्स देयरफॉर आ गया, देयरफॉर एक्स जब रिप्लेस करें एक्स है क्या 0.6 बार इक्वल टू आ गया 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन था 0.6 बार, इसको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, या इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो जैसे अभी किया, सेम ही थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। देखो वो जैसे आपने लेट किया, लेट वैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू 0.6 बार लेट कर लिए। ओके, अब इसको क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब बोथ साइड देखो, दिस इम्प्लाई दैट ऐसे कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0.66 बार ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, देखो 6 बार मतलब क्या हुआ, 0.666 यही होता है ना, इन्फिनेटली। तो आप बार कहीं भी लगा सकते हो, 0.6 बार लगा दो या 0.66 बार लगा दो या 0.66 इस पर बार लगा दो, मीन्स हो गया आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब हम लोग, हमने क्या बताया था, वन डिजिट पर बार है तो 10^1 से मल्टीप्लाई करें, ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो यानी कि वन डिजिट पर बार है तो वन एक डिजिट को निकाल दो सिक्स, फिर सिक्स से आएगा तो सिक्स पर बार दे दिया, ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो किससे, मल्टीप्लाइंग बाय 10^1 ऑन बोथ साइड, 10^1 ही आता है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 10 × x इधर कितना आएगा 10 × 0.66 बार। दिस इम्प्लाई दैट 10x इक्वल टू आ गया, 10 से मल्टीप्लाई करो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा डेसिमल। ओके, कितना आएगा 6.6 बार। नाम देखो बेटे, 10x इक्वल टू, अब इसे लिख सकते हैं 6 + 0.6 बार। अब 0.6 बार को क्या लिया था, x लिया था, तो इसके जब हम x लिख सकते हैं, सिंपलाई दैट 10x इक्वल टू 6 + x लिख दिया। अब x इधर ले आओ प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 10x इक्वल टू हो गया 6, सॉरी 10x - x होगा ना, 10x - x = 6, तो 10x - x 9x = 6, तो देयरफॉर एक्स वैल्यू कितना आ गया 6/9। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6,
एक्स इक्वल टू आ गया 2/3। हमने एक्स किसे लेट किया था, 0.6 बार। एक्स की जगह पर हम ए लिख सकते हैं 0.6 बार। देयरफॉर 0.6 बार इक्वल टू हो गया 2/3। ये आपके हमने क्या किया, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे बार को बार में ही रहने दिया, यहाँ मैंने बार को हटा दिया था, बस अंतर यही था दोनों। तो जो आपको बेटर लगे आप कर लो। ओके, देखो सेकेंड पार्ट देख लो, 0.47 बार, 0.47 बार। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो बस वही प्रोसेस है, लेट करो, लेट कर लो, एक्स इक्वल टू 0.47 बार। ओके, अब ऐसा करते हैं हम लोग, अगर बार को हटाना चाहते हो तो 7 इन्फिनिटी रिपीट होगा, दिस इंप्लाई दैट क्या लिखेंगे इसे, एक्स इक्वल टू 0.4777। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ओके, अब कितने डिजिट पर बार है, यहाँ पे 1 डिजिट पर बार है, इसलिए 10^1 से मल्टीप्लाई करते ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10^1, यानी दैट इज 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, इधर भी मल्टीप्लाई करो इधर भी, दोनों साइड। तो कितना आ गया बच्चे, इधर आ गया 10 × x, 10 × 0.4777, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 10x। 10 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल कहाँ आएगा, 1 डिजिट राइट साइड जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ले दो तो कितना आ गया 4.777, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो, अब ये डॉट डॉट देना कंपलसरी है। ओके, अब हम अब फिर वही करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करेंगे, डूइंग सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो पहले सेकेंड इक्वेशन पहले लिख दो, उसके नीचे फर्स्ट लिख दो, डिफरेंस कर दो। सेकेंड इक्वेशन है 10x इक्वल टू 4.77 डॉट डॉट डॉट, और 7 लिख सकते हैं, इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, फर्स्ट इक्वेशन कितना ये है, x इक्वल टू 0.,, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, लिख दिया पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 4.77, 4.777। ओके, अब इसका डिफरेंस करते हैं, क्या करेंगे, डिफरेंस करो, माइनस माइनस, अब 10x में से x को माइनस करो कितना आएगा 9x। अब डेसिमल के राइट साइड आओ, डेसिमल के राइट साइड देखो, इधर जितना भी है 7, 7, इधर कितना है 7, 7, 7 - 7 कितना आएगा 0, 7 - 7 कितना आएगा 0, इधर सब 0 ही आएगा, 7 - 7 कितना आएगा 0, 7 - 4 कितना आएगा, 7 - 4 3 आएगा, डेसिमल डेसिमल दे दो, 4 - 0 कितना आएगा, 4 - 0 4 आएगा। ओके, तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया आपका, दिस इंप्लाई दैट 9x इक्वल टू आ गया 4.3। देखो लास्ट में अगर 0 है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 4.3 आ गया। तो x की वैल्यू निकाल लो, तो दिस इंप्लाई दैट x की वैल्यू आ गया 4.3/9। अब यहाँ डेसिमल है, डेसिमल अगर हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, नीचे 1 0 आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो करो, दिस इंप्लाई दैट एक्स वैल्यू आ गया 4.43/90, आ गया किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ओके, एक्स है कितना,
एक्चुअल में x इसी लेट किया था, इसी का ना हम x जब हम इसी लिख सकते हैं 0.47 बार, देयरफॉर क्या हो जाएगा 0.47 बार इक्वल टू आ गया 43/90। ये आंसर हो गया, हमने p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ओके लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, थर्ड पार्ट है 0.001 बार, यानी ये 3 डिजिट पर बार है। तब क्या करेंगे, 10^3 से मल्टीप्लाई करना होगा उन लोगों से। 10^3 मतलब हो गया 1000। इसे लेट कर लो x, लेट कर लो x इक्वल टू 0.001 बार। अब बार हटाएंगे तो क्या 001 रिपीट होगा इन्फिनेटली। दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू हो गया 0.001 001 001 001, इस तरह से होते रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग ऑन बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट पर बार है यहाँ पे, तो 10^3 से मल्टीप्लाई करते ऑन बोथ साइड। तो क्या करें, मल्टीप्लाइंग और 10^3, 10^3 मीन्स 1000 हो गया, 10^3 यानी दैट इज 1000 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई करिए 1000 से इधर भी इधर भी, तो कितना आएगा 1000 × x, इधर आ जाएगा 1000 × 0.001 001 001, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 1000 x इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो के तहत 30 है, डेसिमल 3 डिजिट क्रॉस करेगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ओके राइट साइड जाएगा डेसिमल, ये आ जाएगा आपको कितना आएगा 001.001001, इस तरह से आएगा। इसे सेकेंड इक्वेशन ले लो या इसे ले, दिस इंप्लाई दैट आ गया 1000 x इक्वल टू हो गया, ये 00 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कि 1.001 00 000 के साथ गया 00। ओके इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो, फिर वही करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को सबट्रैक्ट करो, वही करेंगे, क्या करेंगे डूइंग सेकेंड माइनस फर्स्ट। पहले सेकेंड इक्वेशन लिख दो 1000 x इक्वल टू 1.001 001 लिख दो, और इसे सेकेंड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन कितना है, ये है x इक्वल टू, ये है x इक्वल टू कितना है, डेसिमल सम ने डेसिमल लिखना है 001 001, आउट लिख सकते हैं, इधर भी 001 है इधर भी 001 है, ठीक है डॉट डॉट लिख दो। अब डेसिमल के राइट साइड देखो, डेसिमल के राइट साइड क्या है, सेम डिजिट है, डिफरेंस करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस करो माइनस, तो 1000 में माइनस करो दो 1 को, 1000 x में 1 x माइनस करो कितना आएगा 999 हो जाएगा, कितना आएगा 999 x इक्वल टू, अब देखो इधर डिफरेंस करो सेम 0 हो जाएगा, डेसिमल के राइट साइड क्या आएगा 00 आएगा, ठीक है, और डेसिमल के लेफ्ट साइड 1 में से 0 माइनस करो कितना आएगा 1 − 0 1 आएगा, तो कितना आ गया 99 x इक्वल टू हो गया 1, देयरफॉर x इक्वल टू, x में 999 क्या है डिवाइड मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो गया 1/999। x है क्या, x किसे लेट किया था 0.001 बार, ये x जब ऐसे लिख देंगे देयरफॉर 0.001 बार इक्वल टू कितना है 1/999, ये आ गया p by q के फॉर्म में आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन को हमने एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, ये आंसर होगा।
ओके, एक क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया समझ के, सारे क्वेश्चन सेम है। ओके,